हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एजुकेशन का क्या रिलेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ वो हम इस वीडियो में बात करने वाले ओके okay? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो एजुकेशन है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश की आर्थिक तरक्की ठीक है डेवलपमेंट मतलब अच्छी वे में डेवलपमेंट होना जब वर्ड डेवलपमेंट यूज होता है मतलब पहले से कुछ चेंजेस आना और एक पॉजिटिव वे में आना ठीक है सो एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड हैं दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं इंटर रिलेटेड हैं एजुकेशन एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर किसके लिए पूरी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप कभी भी कोई भी एग्जाम्पल उठाओ जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये देश की बहुत अच्छी यू you नो know, पैसा बहुत है यहाँ पे लोगों के पास अर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे एक वन ऑफ द प्लस पॉइंट होगा दैट वुड बी एजुकेशन एजुकेशन बहुत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी कंट्री की वो भी अच्छी होगी एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन इज वाइटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि एक बहुत ही अच्छी पॉपुलेशन एजुकेटेड पॉपुलेशन मतलब अच्छी से मतलब है जो अच्छे से एजुकेटेड है वो बहुत ज़रूरी है किस चीज़ के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ताकि हमारी आर्थिक जो ग्रोथ है वो अच्छी हो पाए प्रोडक्टिविटी के लिए कम्पिटिटिवनेस के लिए इन द ग्लोबल इकोनॉमी ठीक है कम्पटिटिवनेस का मतलब क्या होता है देखो पूरे पूरे देश भर में सारे जितने भी देश हैं उसमें अगर हम लोग वेल एजुकेटेड लोग रहेंगे अपनी कंट्री में जादा से ज़्यादा सब लोग पढ़ लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कंपटीशन लेवल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हर चीज़ की वो बढ़ जाएगी एंड एक ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा जो दर्जा है वो अच्छा होगा एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द वर्क मतलब जो वो काम करते हैं उनके स्किल्स को एनहैंस करने के लिए और उनको नई टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज में एडजस्ट करवाने में एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल रहता है ओके okay? नाओ कई सारे ऐसे वेज हैं जिसमें एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट करता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बार देख लेते हैं वो सेवरल वेज क्या क्या है सबसे पहले है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नाव वट डज दैट भी एजुकेशन की वजह से इंडिविजुअल्स नए स्किल्स नई चीज़ें सीखते हैं उनको नई चीज़ें करनी आती हैं ठीक है नॉलेज गेन करते हैं एबिलिटीज जो चाहिए किसके लिए अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए वो उनको अच्छे से आता है मोर and effectively which result in increased productivity and higher economic output jiski wajah se kya hota hai increased productivity yani productivity badh jati hai aur economic output bhi badh jata hai to agar कोई भी देश में education अच्छे से importance दी गई है लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या होगा उनके skills बढ़ेंगे उनकी knowledge अच्छे से gain करेंगे abilities बढ़ेंगी अपने job अच्छे से perform करेंगे effectively, efficiently. और फाइनली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक आउटपुट भी बढ़ेगा ठीक है इनोवेशन एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में जो कि एसेंशियल है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ किसके लिए ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल अगर कोई भी इंडिविजुअल अच्छे से एजुकेटेड है तो वो क्या करेगा नए आइडियाज़ को डेवलप करेगा कोई भी वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल नए आइडियाज़ को डेवलप करेगा टेक्नोलॉजीज़ वो बनाएगा कुछ जिसने जो पढ़ा लिखा है वो नई नई चीज़ें जैसे सपोज हमारी कंट्री में बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर्स बनेंगे मैकेनिकल इंजीनियर हुए तो बहुत सारी नई मशीन्स बनेंगी तो ये सब चीज़ों से क्या होगा ना सर्विसेज अच्छी होंगी नई सर्विसेज मिलेंगी प्रोडक्ट्स अच्छे आएंगे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा तो इंटरनली हम बहुत बेनिफिट ले पाएंगे कई सारे लोग हैं जो बाहर जाके काम करते हैं बाहर की कंपनीज के लिए काम करते हैं उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बनाती है वही हम खरीदते हैं जो हमें महंगा पड़ता है अगर हमारे देश में बना होता तो सस्ता होता है ना तो इन सब चीज़ों में हेल्पफुल रहता है एंट्रप्रिनशिप यानी कि अगर लोग एजुकेटेड होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आजकल तो बहुत ज़्यादा ये यू नो फंडा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है बट अगर लोग uh, मतलब पढ़े लिखे हैं तो एंटरप्रेनोरशिप क्या होता है प्रमोट होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद को एम्प्लॉयड रखेंगे ये चीज़ अच्छी रहेगी जो कि इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है वेल एजुकेटड इंडिविजुअल क्या करेंगे अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो कि जॉब क्रिएट करेगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सो so, एंट्रप्रीनोरशिप में एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतना ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा जितने एंट्रप्रीनोर्स यहाँ से निकलेंगे जितना पैसा कंट्री में बनेगा उतना ज़्यादा देश को फ़ायदा होगा इम्प्रूवड governments, एजुकेशन की वजह से क्या हो सकता है ना ज़्यादा अच्छे पब्लिक institutions, ज़्यादा अच्छे स्कूल्स हॉस्पिटल्स ज़्यादा अच्छी चीज़ें ये सब डेवलप हो सकती है गवर्नेंस जो हमारे ऊपर जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं जो हमारे ऊपर जो हर चीज़ के डिसीजन लेते हैं वो बेटर हो सकते हैं क्योंकि हमें फिर ये समझ में आने लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है ठीक है कई बार लोगों को पता ही नहीं होता किसी ने बोल दिया जो उनको वही समझ में आ जाता है कि चलो जिसने रोटी खिला दी जिसने पैसों का वादा कर दिया वही अच्छा है ऐसा नहीं होता कई बार क्या होता है ना हमें जब खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो हमें समझ में आता है अच्छा ये सही है ये गलत है तो ये इम्प्रूव गवर्नमेंट से एक फायदा होगा कि हम लोगों को पता चलेगा बेटर गवर्नेंस कौन बेटर लीडर्स हैं और ये सब चीजें जरूरी हैं किसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल ज्यादा अच्छे से पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे आप एक नॉर्मल पर्सन लो जो बहुत पढ़ा लिखा है और पर एक पर्सन लो जो बिल्कुल फिफ्थ तक भी नहीं पढ़ा शायद ठीक है आप इसमें से बताइए ये पूरा पढ़ा लिखा है ठीक है इसने बहुत अच्छी डिग्री ले ली और ये जो है ये फिफ्थ तक भी नहीं पढ़ा या फिफ्थ तक पढ़ा हुआ है इसमें से इस पर वैसे तो ये भी हो सकते हैं बट फिर भी जो पढ़ा लिखा होगा उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और इनके ज़्यादा चांसेस हैं किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेने के अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराने के मतलब अगर उनके साथ कुछ भी सही या गलत हो रहा है तो वो अपने लीडर्स पे सवाल जवाब कर सकते हैं ये पर्सन सोचेंगे चलो छोड़ो हमें जो वादा किया गया वो पूरा हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं इस तरह सॉरी इस तरह से हमारी सोच हो जाती है है ना और हम अकॉर्डिंगली पॉलिसीज हमारे लिए जो सही है क्या सही है क्या गलत है हम उसका डिसीजन एक्चुअली ले पाएंगे किसी के बहकावे में नहीं आएंगे सो so ये सारी चीज़ों का यू uh, नो you know, सीधा असर देखने को मिलता है किस पे एजुकेशन का इकोनॉमिक्स पे और देश पे ओवरऑल एजुकेशन इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि अगर ध्यान से देखें एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है किसी देश में तो एजुकेशन तो वहाँ चाहिए ही चाहिए गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट इन्वेस्ट इन एजुकेशन जितने भी गवर्नमेंट्स हैं पॉलिसी मेकर्स हैं वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो इंश्योर कर सके कि सिटीज़न के पास उनके स्किल्स आए नॉलेज आए एबिलिटीज़ आए जो फाइनली हमें ग्लोबल इकॉनॉमी में सक्सेस दिलाने के लिए ज़रूरी है तो एजुकेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस किस तरह से क्या क्या बेनिफिट होगा वो हमने पढ़ लिया उसके अलावा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है नोट्स का लिंक है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड दूसरी चीज़ अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे जो कि एमएड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिसी प्लानिंग एजुकेशन इस पर अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है तो प्ले में जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं और इसके नोट्स आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे प्लस अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एनआई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो